हाई गायज वेलकम टू फेबेट फोर्टी एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली मुझे ऐसा लग रहा है आज के मैं बहुत दिनों के बाद एक सिट डाउन वीडियो कर रही हूँ बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग आई टुक माई मॉम टू जगन्नाथपुरी जी दर्शन कराने के लिए एंड आई शॉड देर एक्सटेंसिवली मैंने सारे ब्लॉग्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं आई होप यू हैव सीन दैम इफ़ यू हैवन प्लीज़ गो हैड एंड सी

कुर्ता पीसेस एंड दुपट्टा और मैंने सब के लिए कुछ ना कुछ खरीदा है लाइक आई वॉट फॉर माई सेल्फ आई वॉट फॉर माई हस्बेंड आई वॉट फॉर आर्य आई गॉट अलॉट ऑफ सुविनियर्स फ्रॉम माई फ्रेंड्स माई कॉलीग्स एंड ऑफिस सो ये एक कलेक्टिव जैसा हॉल ही होगा इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक क्लोथ्स अलोन सो इट्स गोइंग टू बी लाइक ऑल द थिंग्स आई बॉट कलेक्टिवली इन पुरी तो हम पुरी में गए थे ग्रैंड बाजार जो कि uh, बिल्कुल uh, मंदिर के पास में ही है एंड आई एम गोइंग टू इंसर्ट द क्लिप्स ऑफ ऑल द शोरूम्स जहाँ से हमने uh, ये शॉपिंग की थी जहाँ जहाँ से भी मैंने जो जो भी चीज़ें खरीदी हैं आई एम गोइंग टू इंसर्ट द क्लिप्स सो दैट इट्स ईजी फॉर यू टू लोकेट इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो टू पुरी सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स कैर इन टू द वीडियो जो पहला शोरूम था जहाँ हम गए थे उसका नाम था सिल्क क्वीन और वहां से मैंने अपने लिए कुर्ता पीसीस खरीदे द फर्स्ट वन इज दिस ब्यूटिफुल ग्रीन कलर इक्कथ ऑबियसली इक्कथ वीविंग वाला कुर्ता है और ये बहुत 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 सुंदर है देखने में सच अ ब्राइट कलर एंड इट इज़ इन डुअल टोन लाइक इफ यू मूव द क्लॉथ अराउंड आई होप यू कैन सी इट ऑन कैमरा देन दैट यू विल सी शेड्स ऑफ ग्रीन एंड सी ग्रीन एंड ब्लू ऑल्सो जस्ट लाइक पिकॉक्स फैदर सो ये बिल्कुल uh, उसी तरह का लुक एंड फील दे रहा है इन पर्सन और ये सिर्फ कुर्ते का कपड़ा है मैंने ढाई मीटर कपड़ा ख़रीदा था एंड इट इज़ इन कॉटन सिल्क ब्लेंड एंड इट वाज प्राइज एट अराउंड आई थिंक 1200 हंड्रेड पर मीटर और मैंने ढाई मीटर खरीदा है इस कपड़े का तो इसका मैं सुलवाऊंगी कुर्ता आई हैव ऑलरेडी शॉर्ट लिस्ट सम डिज़ाइंस फ्रॉम पिंट्रस्ट और मैं बहुत जल्दी इसका इसको स्टिच करने के लिए दूंगी सो दिस इज़ द फर्स्ट कुर्ता पीस आई गॉट और उसी शॉप से ख़रीदे मैंने uh, दो दुपट्टे भी उनके पास दुपट्टों का बहुत अच्छा कलेक्शन था सो आई पिकडा टू दुपट्टा बिकॉज आई वेयर अ लॉर ऑफ न्यूट्रल कलर सूट्स इन सॉलिड्स एंड यू कैन गिव अ वेरी डिफरेंट लुक टू योर आउटफिट एवरी टाइम यू चेंज अ दुपट्टा सो दिस इज़ द दुपट्टा आई गॉड इट इज इन कॉटन और ये ओवरऑल uh, uh, इसमें इक्कत का वीविंग है बॉडी में और इसका जो बॉर्डर है इट इज़ लाइक दिस एंड बॉटम में भी ये यहाँ पे वीविंग किया हुआ है रेड और ब्लू में है एंड जस्ट लुक एट सच अ ब्राइट ब्लू इट इज आप किसी भी सूट के साथ इसको पेयर कर लीजिए इट इज गोइंग टू अपलिफ्ट दैट आउटफिट दिस दुपट्टा इज प्राइज एट थर्टीन फिफ्टी आप किसी भी ओडिशा हैंडलूम के शोरूम में जाएंगे तो दे विल गिव यू अ ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट ऑन योर ऑन एवरी परचेज सो डू नॉट फॉरगेट टू आस्क फॉर इट क्योंकि कई बार इफ़ यू डू नॉट आस्क फॉर इट दे विल नॉट गिव इट यू दूसरा दुपट्टा जो मैंने लिया वो है इस ब्यूटिफुल ग्रीन कलर में जस्ट लुक एट द कलर आई मीन आई फेल इन लव विद द कलर द मोमेंट आई सॉ इट ये भी कॉटन में ही है और ये पूरा बॉडी जो है इसका वो प्लेन है बट बॉर्डर्स uh, पे इस तरह का वीविंग है कॉन्ट्रास्टिंग में इट हैज़ ब्लू इट हैज़ अनियन कलर या फालसई कलर इसमें इतना ज़्यादा शीन है ना कि कोई भी कलर के सूट के साथ आप इसको मैच करेंगे ना चाहे वो ब्लैक हो वाइट हो एनी अदर पेस्टल कलर बेज

ये खरीदे या ये खरीदे यू विल फील लाइक कि ये भी ना छोड़े और ये भी ना छोड़े सेम शॉप से फिर मैंने लिया uh, एक टी शर्ट आर्य के लिए आई बॉट दिस जगन्नाथ जी का प्रिंट वाला टी uh, शर्ट इसमें जगन्नाथ जी का फेस प्रिंटेड है इट इज रबर प्रिंट और पीछे भी जय जगन्नाथ लिखा हुआ है ही इज़ ऑलरेडी वॉन इट वंस बिकॉज वेन आई शोड इट टू हिम ही रियली लाइक डिट और उसने ऑलरेडी पहन लिया ये धुल चुका है दैट्स वाई इट इज़ लुकिंग लिटिल क्रिंकल जैसे टी शर्ट का मटीरियल होता है उसी मटीरियल में है और uh, आर्य को बहुत पसंद आया सो आई एम ग्लैड दैट आई टुक दिस फॉर हिम नेक्स्ट जिस शोरूम में हम लोग गए उसका नाम था आलीशान शान ना आली से भी मैंने अपने लिए एक uh, कुर्ता का पीस खरीदा अगेन इट इज़ इन दिस ग्रे कलर और इसमें लाइट हल्का सा रेडिश और येलो का वीविंग है इसमें और इट इज़ अ वेरी वेरी क्लासी पीस ग्रे कलर में इक्कत हो तो वो अपने आप में ही बहुत क्लासी पीस हो जाता है एंड दैट्स वाई आई गॉट दिस वन फॉर माई सेल्फ अगेन ये ढाई मीटर का कपड़ा है और

Uh, and you know, small functions as well. So, yeah, this is the second kurta piece that I got for myself. And oh, I think I forgot to tell you the price for the t shirt, it was for 120 rupees, and this uh, dupatta uh, was for um, 950 rupees. ओके सो नेक्स्ट चीज़ जो मैंने ख़रीदी सेम शोरूम से आलीशान इज़ दिस कुर्ता इट्स अ लॉन्ग कुर्ता फ़ॉर माई हजबेंड अतुल और जब मैंने इसको देखा ना आई वॉज लाइक इट इज़ सो डेंसली वोवन और इतना सुंदर पीस है ये आई मीन जस्ट लुक एट इट जस्ट लुक एट द वर्क अतुल लाइक डिट सो मच दैट ही वोर दिस कुर्ता वेरी नेक्स्ट डे एक्चुअली मैं वापस आ गई थी फोर्थ ऑफ अक्टूबर को और फिफ्थ वॉज शेरा सो वी हैड गैदरिंग इन आर सोसाइटी और uh, उसमें uh, यह कुर्ता पहना था और आर्य ने वो टी शर्ट पहना था जगन्नाथ जी वाला एंड दिस कुर्ता वॉज प्राइज एट आई थिंक इलेवन हंड्रेड और ट्वेल्व हंड्रेड नेक्स्ट चीज़ है अगेन अपटट्टा <laughs> ये लेकिन दुपट्टा जो है वो मैंने अपनी सिस्ट ट्रेन लॉ के लिए खरीदा है सो इट्स अ प्लेन रेड कलर दुपट्टा विथ स्मॉल स्मॉल बूटी वर्क है इसमें बूटी वर्क है छोटा छोटा बॉडी जो है इसकी वो प्लेन है और बॉर्डर्स uh, में ऑब्वियसली इकत की वीविंग है और uh, ये भी कॉटन में है and uh, I'm not going to uh, tell you the price for this because I have to gift it to my sister-in-law and uh, I'm sure she'll be watching this video so I'm not going to tell the price. Next we have Priyadarshini. Now Priyadarshini I think is a government owned entity. It is हैंडलूम एम्पोरियम सॉर ऑफ अ प्लेस वे यू गेट एवरीथिंग अंडर द सेम रूफ वहाँ आपको फेब्रिक्स भी मिल जाएंगे वहाँ आपको स्टिच्ड क्लोथ्स भी मिल जाएंगे हर तरह के क्लोथ्स लाइक इक्क प्रिंट वाले और वहाँ पर आपको डोकरा uh, आर्ट के आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान भी मिल जाएगा लाइक डेकोरेटिव स्टफ यू विल गेट यू विल गेट फोटो फ्रेम्स यू विल गेट अदर आर्ट फॉर्म के प्रोडक्ट्स विच आर इंडिजिनस टू ओडिशा प्लस अ लॉट ऑफ अदर सुनर्स दैट यू कैन बाय फ्रॉम द सेम प्लेस सो इट्स लाइक अ वन स्टॉप शॉप बट येस प्रिय दर्शनी इज मोर एक्सपेंसिव देन लोकल uh, मार्केट uh, हम लोगों को ये वी रियलाइज डेट वैन वी बॉट स्टफ फ्रॉम देयर कि उनका जो प्राइस पॉइंट था इट वॉज ऑलमोस्ट द डबल ऑफ वॉट वी सॉ इन द लोकल मार्केट जिन स्टोर पे हम लोग पहले गए थे और एंड दे देम सेल्फ क्लेम दैट यू नो या देर प्राइस रेंज इज ऑन अ हाईस्ट साइड और uh, ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके पास है इफ़ यू डू नॉट हैव मच टाइम इन हैंड देन दैट्स द वन स्टॉप शॉप वे यू कैन गेट एवरी और आपको इधर उधर ज़्यादा मार्केट्स में घूमने की जरूरत नहीं है सो विदाउट एनी मोर ब्लैबरिंग लेट मी शो यू वॉट आई गॉट फ्रॉम प्रियदर्शनी प्रियदर्शनी से मैंने लिया दो, दो शर्ट्स आर्य के लिए ओके सो दिस इज इन वाइट विथ ब्लू एंड डार्क लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू इकथ वीविंग ऑब्वियसली ये दोनों इकथ वीविंग है और ये दिस इज अनादर वन आई रियली लाइक द कलर ऑफ दिस वन ये थोड़ा पिंक लग रहा है देखने में कुर्ता ऑन कैमरा बट इसका ना थोड़ा सा अनियन um, कलर है इट इज लाइक लाइट अनियन कलर

टू दिवाली सेलिब्रेशन इन हिज स्कूल उनके स्कूल में पहले ही हो गया दिवाली सेलिब्रेशन बिकॉज अब छुट्टियाँ हो गई हैं तो ही रियली लाइक डिट वन ही वोर इट एक्चुअली सो दिस इज वन शर्ट आई गॉट एंड दिस इज़ अना दन ये उसको बहुत पसंद आया बिकॉज वाइट इज हिज फेवरेट कलर तो उसको वाइट उसको सूट uh, करता है और उसको बहुत अच्छा भी लगता है कलर सो ही रियली लाइक दिस वन बोथ द शर्ट्स बफोर सिक्स सेवेंटी रुपीज़ ईच नेक्स्ट थिंग जो मैंने लिया है प्रियदर्शनी से ही वो है ये बहुत ही सुंदर जगन्नाथ जी का वॉल हैंगिंग दिस इज अ पेंटिंग और ये पाम लीफ पे पेंटिंग किया हुआ है और बहुत ही महीन काम है एंड दिस वॉज प्राइस्ड एट टू फिफ्टी रुपीज आई रियली लाइक दिस आफ्टर दैट आई डिड समीट शॉपिंग पूरी में uh, मंदिर के बाहर ही बहुत सारी ऐसी स्टॉल्स हैं जहाँ से आप छोटी uh, छोटी चीज़ें ले सकते हैं टू गिफ्ट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इनमें से कुछ मैं ऑलरेडी अपने फ्रेंड्स को और कॉलिग्स को गिफ्ट कर चुकी हूँ यू कैन पिक सुनर्यसन पिक यू नो स्माल स्मॉल टिडबिट्स जो स्ट्रीट शॉपिंग का मज़ा होता है uh, वो तो लेना ज़रूरी है आई वॉट सम स्मॉल शो पीस लाइक दिस मैंने कुछ फ्रिज मैगनेट्स भी लिए है और कुछ इस तरह का जगन्नाथ जी का ऑब्वियसली शो पीस लिया है आई एम प्लानिंग टू पुट दिस वन अपने मंदिर में ये बहुत प्रिटी है इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और जितने भी इसमें जो ये स्टोन्स वगैरह लगे हुए हैं बहुत अच्छे से लगे हुए हैं सो इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी शो पीस सो या दिस आई गॉट फॉर माई मंदिर उसके बाद मैंने लिए ये कॉन्च ज...

Piece is uneven. Both the pieces, in fact, are uneven, they are not the same. And you can really make out that they have been cut out uh, of a shell, a conch shell. Also, you are not supposed to wear it on its own, like white conch shell bangles. You have to pair them with red color bangles, just like Bengalis do, like this, and then only you should wear. दिस कॉन्शियल बैंगल्स दैट्स द राइट वे टू यू नो वेयर दैम आई रियली लाइक दिस और आई थिंक ये जो पेयर था ये टू हंड्रेड रुपीज़ का था और ये मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा ओके सो इट्स ऑलमोस्ट द एंड ऑफ दिस वीडियो लास्ट चीज़ जो मैंने ली है वो बहुत ही यूनिक सी चीज़ है एंड वेरी इंडिजिनस टू ओडिशा और ये है पाम लीव्स पे एंग्रेव की हुई पेंटिंग एज यू कैन सी ये बहुत ही ज्यादा डेलिकेट, बहुत ही महीन सा काम किया हुआ है इसमें इसमें कृष्ण और राधा को दिखाया है एंड आई एम गोइंग टू फ्रेम दिस इसमें हैंड पेंटिंग भी की हुई है बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट बहुत ही बारीक हैंड पेंट किया हुआ है और ये जो पार्ट है दिस पार्ट this is not painting it is not just painting it has been carved out like it is chiseled out uh, with the help of some tools uh, मुझे ये बहुत सुंदर लगा और ये मैंने लिया था uh, तोशाली सैंड्स रिसोर्ट में हम रुके थे uh, वहीं पे द आर्टिस्ट्स हैड पुट अप अ किओस्क और uh, बहुत सारे वेरिएंट्स में बहुत सारे साइजेस uh, में वो uh, इस तरह का आर्ट फॉर्म जो है वो बेच रहे थे दे वर्क asking 800 for this i bargained a bit and paid 700 but uh, looking at the kind of work

ऐसे कार्विंग हुआ है ना लुक दिस वन ये ये पेंटिंग नहीं है नाइटिंग कार्बिंग स्केच के ऊपर ऐसे धीरे धीरे ऊपर से नीच, नीचे ऐसे 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 धीरे धीरे उसको लाइन कर ऐसे पकड़ना है ये मैंने उसी दिन खरीदा था जिस दिन हम लोग चेकआउट कर रहे थे तुशाली से So, this brings us to the end of this video. I hope you liked all the things I bought and I enjoyed showing them to you as much. And uh, yeah, that's the end of this video. Do subscribe to my channel, push the notification bell. Don't forget to follow me on Instagram. My Instagram handle is fab.at40. And I'll see you in my next video. Till then, take care, bye, and happy Diwali.